कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ओके सर. सर Al4C3 का रिएक्शन AlOD3 है. OD3 है, CD4 ड्यूटरोमीथेन बोलते हैं. आप सेम एज जो है वाटर रिएक्शन, आप पीछे चेक करो. ओके ओके.
डांसर देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ठीक है आपने नोटिस किया कि मैंने आपको बोला था फिजिकल कांस्टेंट का वैल्यू हायर होता है D2O के लिए तो दैट्स व्हाई आप नोटिस करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसका ज्यादा है D2O का ज्यादा है राइट और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाती है रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर यस सर जो एक पॉइंट लिखा है मैंने कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर सेम एज वाटर तो वो इसीलिए ताकि आपको रिएक्शंस याद नहीं करना पड़े अब वाटर के साथ रिलेट करो जो भी रिएक्शन वाटर में थी सब में D2O एकदम सिमिलर है H रिप्लेस बाय D आपको केवल कर देना है ना केवल H रिप्लेस बाय D करना है एवरीथिंग इज सेम अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराने जा रहा हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड तो पहले आप कॉपी करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सर क्या कॉपी करना है सर ये हो गया मतलब लाइक जो आप दिखा रहे हो ये कॉपी करना है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे यस सर यस सर यस सर कॉपी करिए फिर रिएक्शन कंप्लीट करने की ट्रिक बताता हूँ सर आपका स्क्रीन शेयर चला गया ओके सर थोड़ा ऊपर करो ना यस सर साइड का कट लेफ्ट
सर राइट साइड में रेड कलर में आपने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ सकते हो कंपाउंड विद पेरोक्साइड लिंकेज क्या बोल रही है पीहू सर आपने वो जो रेड में लिखा है ना राइट साइड में कंपाउंड विद पेरोक्साइड लिंकेज ट्रीटमेंट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड इज गिव्स H2O2 मैं एक्सप्लेन करूंगा आप एक बार पूरा कॉपी कर लो अच्छा हां सर बट वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था और डी में आपने क्या लिखा आप एक बार पढ़ सकते हो By the electrolysis of 50% H2SO4 at 0 degree Celsius in presence of H2S2O8, the name of the compound is peroxydisulfuric acid. Okay, sir.
Done, sir. No, sir, please wait. सर वो सी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लिखा है ना. हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब आप देख लो. मैंने आपको रूल बताया था ऊपर कि कंपाउंड विद परऑक्साइड लिंकेज ट्रीटेड विद वाटर और डाइल्यूट एसिड H2O2, उसे अप्लाई किया है. ए में आप देखो सोडियम परऑक्साइड था, दैट्स व्हाई इट गिव्स हाइड्रोजन परऑक्साइड. दिख रहा है H2O2, जस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड वाले में भी सेम है, Na3PO4 विद H2O2. बी में आप देखो सेम प्रोसेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट BaSO4H2O2, उसके बाद बेरियम फॉस्फेट H2O2 एंड द लास्ट इज बेरियम कार्बोनेट व्हिच इज नोन एज मर्क रिएक्शन. ठीक है, इसके ए और बी आपका लैब प्रिपरेशन है, सी और डी आपका मैन्युफैक्चरिंग है, डी बेस्ट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई 3 स्टार लगाया उस पे मैंने. सी में आप देखो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रिसाइकल हो जा रहा है, आपको दिख रहा है पीहू? यस सर. दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ सर. अभी बोलो फिर बाद में आप बोलोगे कि नहीं समझ आया, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको. एंथ्रेक्विनोल टर्न्स टू एंथ्रेक्विनोन और फिर एंथ्रेक्विनोन से वापस एंथ्रेक्विनोल बनाया, साइक्लिक प्रोसेस समझ आ रहा है? हाँ सर. डी वाले में देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ऑलवेज बेस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस. मैंने ऑलरेडी बताया था आपको डाइमर बनाया, तो देखो H2S2O8 बनाए, इसमें वाटर डालते हो तो H2O2 और बाई प्रोडक्ट जो मिल रहा है H2SO4, जहां से रिएक्शन स्टार्ट किया था, तो फिर से रिसाइकलिंग हो गई. Is it? सर एक बार और समझो. कौन वाला? डी वाला. डी वाले में हमने H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, आपको HSO4 के 2 मोल्स मिल रहे, ये डाइमराइज हो गया, मतलब दोनों मोल्स कंबाइन कर गए, H2S2O8 बना, which on hydrolysis to gives H2O2 along with H2SO4. ठीक है? Okay sir.
हाँ एक बार रिएक्शन लिख करके देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, कॉपी करके बोलिए मुझे।
कॉपी हो गया सर 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 वो एच टू है डी वाले का बात कर रही हूँ ब्लू में नीचे और एच टू ओ एट है उसको आपने वाटर के साथ ओनली एच टू एस टू ट्रीटेड विद वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड एच टू ओ टू विद सल्फ्यूरिक एसिड ओके ओके थैंक यू सो मच सर देखो जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में एनहाइड्रस अगर है तो कलरलेस ऑर्डरलेस सेलिबल विस्कस डाइमैग्नेटिक लिक्विड है वीक एसिडिक है अनस्टेबल है सो इट डीकंपोजेस टू गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन दिख रहा है आपको जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है फिर इसका डीकंपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल एल्कली और लाइट ओके इसलिए स्टोरेज इसका प्रॉब्लम है स्टोरेज के लिए हम लोग वैक्स लाइन ग्लास बॉटल यूज करते हैं और डार्क कलर प्लास्टिक बॉटल यूज करते हैं अलोंग विद नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर या रिटार्डर डालते हैं जिससे इसका डीकम्पोजिशन रोक पाए प्रिवेंट और स्लो डाउन द डीकम्पोजिशन एसिडिक है और अगर स्किन पे गिरे तो देखो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं इसका एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए हमने NaOH से रिएक्शन कराया है NaHO2 बनता है और दैट फाइनली टर्न्स टू Na2O2 इसके आगे का केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ इसे आप कॉपी कर लीजिए पहले ओके सर
कॉपी हो गया बेटा सर एक मिनट सर सर ये वो फर्स्ट टू थ्री लाइंस वो प्रॉपर्टीज एनहाइड्रस कंडीशन के लिए है राइट एनहाइड्रस मतलब प्योर प्योर ओके देखिए जरा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है एसिडिक मीडियम में भी शो करता है और बेसिक मीडियम में भी शो करता है बट बेस्ट मीडियम अगर पूछा जाएगा तो एसिडिक है व्हेनेवर H2O2 डीकंपोजेस इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड परमानेंट मॉइस्ट ब्लीचिंग ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है तो आप अगर किसी कलर बॉडी पे H2O2 डाल दो तो दैट बिकम कलरलेस ठीक है और कलरलेस ये हम कहाँ यूज करते हैं तो आपके जितने हेयर कलर्स आते हैं उन सब में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ही यूज होता है इवन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली आल्सो अगर आप बालों पे डायरेक्ट भी लगाओगे ना H2O2 तो आपके बाल का कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाता है ठीक है तो आप इसे कॉपी करिए फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे कम्प्लीट की जाएगी करिए कॉपी सर वो ब्लैक आपने क्या लिखा है पीबीएस में दैट्स द कलर ऑफ पीबीएस कॉपी हो जाए तो बोलिए मुझे
कॉपी हो गया भाई? नहीं सर, एक मिनट. कितना रह गया कॉपी करना भाई? सर वो राइट हाफ ही थोड़ा सा दिख रहा. पीहू अभी 5 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन दिखाई देगा, मुझे कुछ और बताना है. ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, मैं वापस से स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा. अब उतना जिन लोग कॉपी कर रहे हैं वो मुझे करके फटाफट से बताएं. हो गया सर, सबका हो गया? यस सर. देखिए जरा, हम अभी आपको रूल्स शो कर रहे हैं. ये रूल्स आपको कहीं सेपरेटली लिखना है, ये यूनिवर्सल रूल्स है, हम कभी भी किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इनका यूज कर पाएंगे. तो आप कहीं सेपरेट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन बताएंगे इनका भी कि इन्हें यूज कैसे करना है. करिए कॉपी गाइज, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन मोस्टली फॉर एनायंस.
कॉपी हो गया, मैं एप्लीकेशंस बताऊं आपको? यस सर। जी सर। देखिए जो रूल्स आपने वहां पर पढ़े कैसे अप्लाई करने हैं। H2O2 whenever react ना always gives water as a fixed byproduct। Water तो हमें मिलना ही मिलना है in every reaction। Other than same here on the right side also है ना, water तो मिल ही रहा है, मेरी line सीधी draw नहीं हो रही है, but आप मान लीजिए water ऐसे ही flow करता है, ठीक है? अब हमने rules पढ़ा sulfide का, sulfide turns to sulfate, so PbS become PbSO4, समझ आ रहा है कि नहीं rules? Yes sir. Yes sir. In the same way, CdS sulfide becomes sulfate. H2S gives sulfur. H2SO4. है ना? Na2SO3 gives Na2SO4. NaNO2 gives NaNO3. Halide है. I minus become I2. इसका निकलने के बाद और क्या नहीं आया? Left to right potassium. So that combined with SO4 to K2SO4. Fe plus 2 become Fe plus 3, ferric sulfate हो गया। समझाओ ना I2 वाला। अरे halide gives halogen लिखा है। K4 FeCN6 है, एक potassium कम कर दिया, K3 FeCN6 हो गया। अब एक K बच रहा है। That become K2SO4। Benzene वाली reaction पे star लगाया है, क्योंकि ये rules में नहीं है। ये यूनिक रिएक्शन है, गिव्स C6H5OH, एल्डिहाइड है विच गिव्स एसिड, फास्फोरस नॉन मेटल है गिव्स एसिड, सल्फर गिव्स सल्फर का एसिड, SO2 गिव्स सल्फर का एसिड, K2MnO4 है, Mn6 से Mn7 हो जाएगा KMnO4, बचा हुआ एक K K2SO4, Mn plus 4 से Mn6 हो जाएगा Na2MnO4, क्रोमियम 3 से क्रोमियम 6 हो जाएगा Na2CrO4, और मर्क्यूरी मेटल है तो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने बाजू में रूल्स खोल के रखें और एक एक रिएक्शन रेफर करके देखें, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाए वो आपको समझ रहा है कि नहीं। वैसे तो समझेगा, सब सेम ट्रेंड पर है। करिए बेटा कॉपी।
Done, sir. आगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, देखिए पॉसिबल इन बोथ द मीडियम एसिडिक एज वेल बेसिक, बट बेस्ट मीडियम इज बेसिक इस बार। ये रिएक्शन पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। दिस टाइम कॉमन प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। तो आप पूरा रिएक्शन कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा ये। सर राइट साइड में क्या लिखा है वो ब्लैक में CrCrO5 के नीचे? हाँ, पेल ब्लू परऑक्साइड पैरामैग्नेटिक अनस्टेबल। स्टेबल, ओके। एंड सर लेफ्ट साइड में लास्ट वाला K3FeCN6+KOH। ओके सर।
हो गया कॉपी? नो सर, वन मिनट. सर वो एडिशन में सी एच टू डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. ओके हो गया कॉपी? यस सर. लिखे थे वो रूल्स खोलिए. जब उन रूल्स को हम लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. तो आप चाहें तो रूल्स को एक बार आप ट्राई करें, नहीं तो फिर तो मैं करके आपको बताता हूँ. एक बार आप ट्राई करके देखिए रूल्स को अप्लाई करके. समझ आया ना मैंने क्या कहा? हाँ सर. एक बार अप्लाई करके देखिए फिर मैं करता हूँ.
किया आप लोगों ने अप्लाई? मैं बताऊं आप लोग, ट्राई हो गया? Yes, sir. देखिए जरा ध्यान से समझिएगा. देखो O2 इस बार कॉमन बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका हर रिएक्शन में बनना ही बनना है. अब O2 के अलावा और क्या बनेगा? तो लेफ्ट साइड में ओजोन से O2 आ गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें वाटर बनाना पड़ेगा. Mn प्लस फोर है, प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, MnSO4 हो गया. सर आप किधर का बात कर रहे हो? मैं कहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है? Mn प्लस फोर से Mn प्लस टू हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर बना दिया. थर्ड में Mn प्लस सेवन है, प्लस टू हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर हो गया, और K को बैलेंस करने के लिए K2SO4 हो गया. Pb प्लस फोर है, Pb प्लस टू हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर हो गया. सिल्वर ऑक्साइड है, ये सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर हो गया. K3FeCN6 है, इसे हम एक के और मिला देते हैं, K4FeCN6 हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था वाटर हो गया. राइट साइड पे हैशटैग किया है, वो तो मैंने प्रोडक्ट लिखी दिए हैं आपको, K2SO4 वाटर और CrO5 बनता है. ये CrO5 का स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाया है. ये अनस्टेबल होता है, तो अगर आप इसमें एसिड डाल दोगे फिर से तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड दे देता है, क्रोमियम सल्फेट. और फिर से वही हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और O2 कॉमन प्रोडक्ट है, ये बन गया, ये ग्रीन होता है. ठीक, एडिशन रिएक्शन में तो सीधा सीधा जोड़ देना आपको CH2. सर वो क्या है, Cr2SO4 thrice. Thrice, हाँ. ये देखिए OH OH जुड़ गया. इसी तरह यूरिया है, इसमें भी एडिशन का मतलब सीधे सीधे जोड़ दो आप, डॉट H2O2, ये हो गया. करिए कॉपी. सर तो फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में H2 और O2 कॉमन रहता है? हाँ, H2 और O2 कॉमन रहता है. सर CrO5 वाला जो वो है पूरा, हाँ, वो कैसे है? मतलब CrO5 तो देखो स्पेशल रिएक्शन है, हैशटैग किया. फिर CrO5 को जब आप फर्दर रिएक्शन करा रहे हो ना, तब आपको क्रोमियम सल्फेट मिल रहा है ग्रीन कलर का, अलोंग विद वाटर ऑक्सीजन. ओके सर, ओके सर, मैं ऑफलाइन में पूछ लूंगी आप. ठीक है, कर.
हो गया कॉपी? यस सर। इसके आगे का गाइस नेक्स्ट पे करेंगे, आप हाइड्रोजन का मॉड्यूल सॉल्व करके रखिएगा पूरा, समझ आ रहा है? ठीक है गाइस, चलो थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।